नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज की इस वीडियो में इस थारपारकर नस्ल की गाय की मिल्किंग दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बेहद शानदार मिल्किंग रहेगी। खाली बाल्टी भी चेक करवाएंगे, थनों की धार भी आपको अलग अलग दिखाएंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, कीमत भी जानेंगे, साथ ही साथ गाय की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मिल्किंग कंप्लीट होने के पश्चात आपको दूध भी दिखाएंगे कि गाय ने आज की मिल्किंग में कितना दूध दिया है। खाली बाल्टी देख सकते हैं, चारों थनों की धार दिखाई भाई साहब, ठीक है। दूसरे थन की दिखाइए, ठीक है। तीसरे थन की धार देखिए, ठीक है। चौथे थन की धार देखिए, काफी शानदार नर्म और मोटी धार है। इन गायों के अंदर थनों की साइज शेप भी परफेक्ट रहती है, साथ ही धार भी काफी शानदार रहती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बेहद शानदार मिल्किंग होने वाली है। अंत तक वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट डिटेल भी आपके साथ साझा कर पाऊंगा। पवन जी भाई साहब इस गाय के ओनर हैं। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी, जय गो माता जी। जय गो माता। भाई साहब, आज की वीडियो में जो गाय दिखा रहे हो उसके बारे में आपसे कंप्लीट डिटेल लेंगे। हाँ, सबसे पहले अपना यहाँ का एड्रेस बताइए जी। अपना जी श्री गंगानगर राजस्थान, मोबाइल नंबर है जी मेरा 9057815317, 9058715317 जी। इसी नंबर पे कॉलिंग है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है जी। अच्छा, व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ जी, वीडियो कॉल करके भी आप व्यूवर्स इस गाय की मिल्किंग वीडियो डिमांड कर सकते हैं पवन जी भाई साहब से। यहाँ विजिट कर भी आप गाय को देख परख सकते हैं। बेहद शानदार गाय है, ठंडे स्वभाव की है। फेस देख पा रहे हैं कितना अट्रैक्टिव और ठंडा है, यानी कि शांत स्वभाव में खुद है। साथ ही साथ मिल्किंग के समय यदि गाय पेशाब करे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि गाय की पावस काफ़ी अच्छी है। जिन गायों की पावस अच्छी रहती है वो गायें दूध निकलवाते समय ही पेशाब को रोकती नहीं है। मिल्किंग चल रही है, कंप्लीट होगी तब तक जानकारी पवन जी भाई साहब से इस गाय के बारे में कंप्लीट ले लेते हैं। भाई साहब, जो आपने एड्रेस बताया अपना, ये श्रीगंगानगर से कितना दूर है जी? ये श्रीगंगानगर के लगभग लोकल में ही है जी, 8-10 किलोमीटर पे है जी। 8-10 किलोमीटर के अंदर ही है जी। कोई वायर अगर आना चाहे हाँ, तो आप आके मेरे को फोन करें, मैं वहां से आपको पिक कर लूंगा जी। ठीक है जी। हाँ जी, आज भी हमारे पास ग्राहक आए भी हुए हैं। अच्छा, लेके आया हूँ जी। अच्छा अच्छा, आप खुद जाके लेके आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हैं जी वो? ये जी हैदराबाद से आए जी। हैदराबाद से आए? हाँ जी। ठीक है जी। ये काफी अपने पुराने दोस्त कह दे, चाहे ग्राहक कह दो जी, 4-5 साल से लेते हैं ये, उनके जानकार है, उन्होंने भेजे हैं। इनका नया काम है, ये डेयरी करना चाहते हैं, इसलिए 10 पशु लेके जा रहे हैं जी। ठीक है जी। कौन से ब्यांत में जी है आपकी गाय? ये जयपाल जी सेकंड लैक्टेशन में है जी। सेकंड लैक्टेशन में? हाँ, दूसरे ब्यांत में है। और बिल्कुल अपने घर से आई हुई, फर्स्ट में मैंने ही दिलवाई थी। हाँ हाँ। और ये अपना इसी में रखवाया हुआ है जी। हाँ। जो बछड़ा है साथ में। हाँ हाँ हाँ। रखवाया तो बछड़ी के लिए था, लेकिन बछड़ा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बछड़ा है जी। अच्छा जी। अच्छा, अगर इसकी दूध का क्या रिकॉर्ड है जी भाई साहब? दूध इसने फर्स्ट में जी दिया 13-13.5 लीटर दूध दिया है जी। 13-13.5 लीटर अभी 3 ही दिन की ब्याई हुई है जयपाल। हाँ। जी, और अभी लमसम इसके 11 लीटर के करीबन तैयार है जी। अच्छा, 5.5 लीटर एक टाइम का? हाँ जी, आज चौथा दिन है जी इसको, तो बच्चे समेत लगभग 11-1 लीटर तैयार है जी। ठीक है। हाँ जी, अगर 8-10 दिन के बाद इसकी दूध क्षमता कहें तो 15 लीटर के प्लस मेरा अनुमान है जी, आराम से निकाल देगी अच्छी डाइट से। हाँ जी, और शांत इतनी है। हाँ। चाहे आप आदमी निकालो या लेडी निकालो, कोई भी निकालो, तो इसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता जी। बहुत शांत स्वभाव की है जी। कीमत भी जान लेते हैं आपसे भाई साहब, प्राइस क्या डिमांड करोगे जी इस गाय के लिए? इसके लिए जयपाल जी ओनली 40,000 रुपए जी। 40,000 रुपए? हाँ जी। 40,000 रुपीज इस थारपारकर नस्ल की गाय के लिए आप प्राइस डिमांड कर रहे हो। व्यूअर्स खुद भी आप यहाँ आकर मिल्किंग कर सकते हैं। गाय बड़े ठंडे स्वभाव की है, साथ ही बड़े हम्प साइज की, यानी कि A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली है। A2 क्वालिटी मिल्क देने वाली गायों में लगभग दूध देने की क्षमता एवरेज 10-12 लीटर देखने को मिलती है, और वैसी दूध क्षमता इस गाय में भी देखने को मिल रही है। बाल्टी लबालब कंप्लीट फिल हो गई है, पूरी भर चुकी है। दूध काफ के लिए भी भरपूर छोड़ा जाएगा, क्योंकि ताज़ा ब्याई हुई है गाय, काफ के लिए भी भरपूर दूध छोड़ा जाता है। मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कितना दूध होना चाहिए वैसा? ये लगभग लमसम जी 6 लीटर है जी दूध।
छह लीटर के आसपास। जाकर साढ़े पांच तो कंप्लीट है जी, साढ़े पांच लीटर। और ये जी खाली नहीं है इसका, हाँ। दूध का ही जो है जी ये, हाँ, हाँ। थोड़ा दूध का ही है जी, बिल्कुल खाली नहीं। आप देख पा रहे हो परले थनों में भी उरले थन में भी दूध छोड़ा गया जी। खाली अभी खीस से खाली करेंगे और एक दो दिन और रखेंगे, सर्दी बहुत ज्यादा है जी हमारे। सही है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने शानदार गाय दिखाई और शानदार गाय की मिल्किंग भी व्यूअर्स आपने देखी है। कीमत एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए जी भाई साहब। जयपाल जी इसके लिए 40,000 है जी, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, ये फाइनल है? फाइनल है जी। इसमें कुछ बार्गेनिंग होगी जी? जी मान सम्मान करेंगे जी, बार्गेनिंग मान सम्मान करेंगे जी, बार्गेनिंग वाला रेट तो फिर और ही होता है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम जी भाई साहब। राम राम जी, जय गो माता, जय गो माता।